सबसे बड़ी मौत हमारे मुआशरे की उसी वक्त शुरू हो जाती है जब जवान ये सोचने लगे कि मेरा कोई नक्श नहीं है, उस कौम को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है जिसका जवान चार बुराइयों में मुब्तला हो जाए। हर नौजवान इन चार बुराइयों को अपने से दूर करे। वो चार बुराइयां क्या हैं? जब इन चार बुराइयों में नौजवान मुब्तला हो जाए तो उस मुआशरे को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो मुआशरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उसी मुआशरे के सबसे बड़े दुश्मन उसके अपने नौजवान हैं। पहली बुराई सुस्ती, लेजीनेस, थंबली फारसी में कहते हैं, अरबी में कहते हैं कसूल, कसालत। जिस मुआशरे के नौजवान सुस्त हों और कहें कि मैं कुछ काम नहीं करना चाहता, उस मुआशरे को दुश्मन की जरूरत नहीं। जिस मुआशरे के नौजवान आवारागर्दी और बुराइयों में पड़ जाएं, उस मुआशरे को दुश्मन की जरूरत नहीं है। आवारागर्दी, बहरा रवि, अब मैं और अल्फाज मुझे नहीं उर्दू में आ रहे हैं जहन में कि इसके लिए क्या इस्तेमाल करूं कि जो मोहतरम हो, मुनासिब हो, बहरा रवि का शिकार हो जाए नौजवान, बेहदफ हो जाए, जिंदगी में मकसदियत खत्म हो जाए। तीसरी बुराई जो मुआशरा खत्म कर देती है अगर नौजवानों में आ जाए, तालीम से दूरी इख्तियार करने लगे, उनकी जिंदगी में तालीम की कोई अहमियत ना हो, पढ़ने से गुरेज करें, उस मुआशरे को दुश्मन की जरूरत नहीं है। सुस्ती, बहरा रवि, तालीम से दूरी यानी जहालत, जहालत पे सेटिस्फाइड हूं, बड़े खुश हूं, मैं जाहिल हूं, क्या हुआ, कोई बात नहीं, तालीम नहीं चाहिए। और चौथी चीज सुस्ती, मासूम ने फरमाया कि मोमिन में कभी नहीं होगी, निफाक की अलामत है। अब मैं सबकी अहादीस में तफसील में नहीं जाऊंगा, हर हर चीज को पेश कर सकता हूं, हदीस से बैकअप कर सकता हूं। और चौथी चीज कि जहां नौजवान अपने जहन का, अपनी सलाहियतों का, अपने दिमाग का इस्तेमाल छोड़ दे। अल्लाह ने जितनी इंसान में सलाहियत दी है, अल्लाह कहता है कि ये इंसान मलाइका के दर्जे पार कर सकता है अगर अपनी सलाहियत को सही इस्तेमाल कर।